सिंगल वी, डबल वी, वाई ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, ये सब क्या क्या ज्वाइंट है आपको जानकारी जरूर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हर कृष्णा। आज आप लोग को बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक लेके आया हूँ। फैब्रिकेटर का इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछता है ये आप लोग को जानकारी दिलाऊंगा। दोस्तों आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ, क्यों ना ये टॉपिक में कोई आदमी कोई वीडियो नहीं बनाया। तो आप लोग को फैब्रिकेटर में कोई कोई जगह पे इंटरव्यू देना चाह रहे हो, कोई बाहर में कंट्री में इंटरव्यू, अबू दुबई, अरबियन कंट्री दुबई में आपको एक पाइपिंग में एक अच्छा इंटरव्यू देना चाह रहे हो, कोई इंडियन कंपनी में कोई जगह पे आपको अच्छा एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू देना चाह रहे हो, क्या क्या क्वेश्चन एक फैब्रिकेटर को पूछते हैं, तो ये बारे में आप लोग को ये वीडियो में जानकारी दिलाऊंगा। क्या क्या क्वेश्चन की जानकारी से आपको एक अच्छा जगह पे नौकरी मिल सकता है आसानी से, तो ये बारे में आप लोग को जानकारी दिलाऊंगा। ये वीडियो में जरूर देखना अभी तो, और जरूर कमेंट लाइक शेयर चाहिए, क्यों ना आप लोग एक आपका वीडियो, मेरा जो वीडियो आपका अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा तो एक बार कमेंट कर बताओ, तो आपका कमेंट से आप मेरे को इंस्पायर होता है, मैं इंस्पिरेशन होता हूँ, तो क्यों ना आपका कमेंट से मैं भी जानकारी मिलता है आपका मेरा संबंध क्या है, मेरे आपको जो वीडियो देख रहे हो मेरा वीडियो तो वो कैसे लग रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है, आपको एक अच्छा नॉलेज मिलता है। तो दोस्तों शुरू करता हूँ, पहले पूछता है आपका बारे में, मतलब आपको कंपनी में इंटरव्यू देना चाह रहे हो तो आपका क्या क्या क्वेश्चन, मतलब आपका बारे में, आपका बारे में बताना पड़ेगा, मतलब वो तो जो आपका नाम है अख्तर खान, तो मेरा नाम अख्तर खान हूँ, मैं 2 साल एक अच्छा एमएनसी कंपनी में जेसीबी इंडिया में काम कर चुका हूँ, मैं फैब्रिकेटर में काम कर चुका हूँ, मैं 350 E350 E250 MS SS GI ये सब मेटल में काम कर चुका हूँ, तो इसमें स्ट्रक्चरल वर्क में मैं काम कर चुका हूँ, मैं 20 mm से 200 mm मोटा तक थिकनेस तक प्लेट में फैब्रिकेशन कर चुका हूँ। सो ये सब चीज़ आपको जो काम कर चुका है वो आप लोग तो आपका बारे में आपको बताना पड़ेगा, क्यों ना इंटरव्यूअर पता नहीं आपका बारे में, आपको का नॉलेज आपको शेयर करना पड़ेगा, क्या क्या चैलेंजेस लिया है, क्या कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद भाई और काम करने के बाद क्या क्या नया नया एक्सपीरियंस आपको मिला है, तो ये बारे में आपको बताना पड़ेगा, क्यों ना आप नहीं बताओगे इंटरव्यू में आपका इंटरव्यूअर आपको समझ नहीं पाएगा आप कैसे, आपका पास नॉलेज है कि नहीं है, तो वो बारे में आपको पता नहीं पड़ेगा। जो जो कंपनी में काम कर चुके हो वो कंपनी का आपको पूरा डिटेल्स में आपको बताने पड़ेगा, कितना साल काम किया, क्या क्या जॉब में काम किया, क्या क्या जॉब बनता था, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता था, तो कौन सा मटेरियल यूज करता है, ये सब बारे में आपको स्मॉल इंट्रोडक्शन आपको देना चाहिए। उसके बाद आपका हॉबी, कोई कोई आदमी बोलते हैं मैं क्रिकेट देखने का पसंद करता हूँ, कोई देखने बोलते हैं मैं मेरे को बोई पढ़ने का पसंद है, कोई बोलते हैं मैं लिखने का पसंद करता हूँ, कोई बोलते हैं मैं मोबाइल चलाता हूँ, कोई बोलता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आपका जो हॉबी है आपका ये बारे में बताना पड़ेगा, आपका जो फैमिली है फैमिली में कौन कौन है, कौन कौन आपको आपका फैमिली से कि आप फैमिली साथ रहते हो नहीं रहते हो, ये सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको इंट्रोडक्शन एक अच्छा तरीके से स्ट्रक्चरल होगा, तो ये सब बारे में एक इंटरव्यूअर आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखता है, स्टूडेंट क्या क्या लगता है ये बारे में आपको पूछेगा, जरूर पूछेगा, किन पहले बताना पड़ेगा आपको मेजरमेंट, आपको मेजरिंग टेप दो है, आपको राइट एंगल ट्राई स्क्वायर, उसके बाद बोल सकते स्केल बोल सकते लाइन दौड़ी बोल सकते तुम स्पीड लेवल बोल सकते हैं, उसके बाद बोल सकते हैं जो वाटर लेवल होते हैं वाटर लेवल बोल सकते हो तुम, तो उसके बाद बोल सकते हो तुम कोई जगह पे पेंसिल करो पेंसिल भी आपको इंस्ट्रूमेंट टूल हो सकते हैं, तो ये सब बारे में छोटी छोटी चीज़ आपको बताना पड़ेगा, तो वैसे आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा, आपको अच्छा एक अच्छा मतलब जानकारी मिलेगा, बंदा काम कर चुका है, मेन मेन चीज़ बता रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ कॉमन चीज़ है, राइटिंग एंड कॉमन ही लगता है, एक मार्कर टूल्स मतलब एक चौक थोड़ी बात जिसको बोलते हैं एक एक खड़ी लगता है,
उसमें और क्या लगता है, ये सब चीज राइट एंगल स्केल पेंसिल ये सब चीज लगते ही है। तो ये सब कॉमन चीज आपको बताना चाहिए, बताने के बाद आपको क्या लगेगा, एक डिवाइडर भी आपको ऐड करना चाहिए। तो वो डिवाइडर में कोई सर्कल मारोगे, आपको डिवाइडर चाहिए ही चाहिए। तो ये सब चीज तो बहुत ही कॉमन चीज है, आपको बताना चाहिए। ड्राइंग का संबंध में कैसे जानकारी है आपको पता चलेगा, तो ड्राइंग में आपको ड्राइंग कैसे पता चलेगा, मतलब आपको कौन सा कौन सा ड्राइंग में स्ट्रक्चरल में काम किया, तो वह पाइपिंग पे काम किया, आपका नॉलेज में कैसे आइसोमेट्रिक व्यू कैसे दिखते हैं, आपको 2D में दिया मतलब आपको फर्स्ट एंगल में दिया मैं थर्ड एंगल दिया, तो कैसे पता चलेगा फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का डिफरेंस क्या है ड्रॉइंग पे। तो उसमें वेल्डिंग कर रहे हो कितना जगह पे जॉइंट दिया है, जॉइंट का सिंबल्स क्या है, तो ये सब जानकारी आपको जरूरत है। क्यों ना आप एक काम कर रहे हो, आपको जगह पे बहुत जगह पे दिख रहे हैं आपको ड्रॉइंग पे फर्स्ट एंगल दिया है, फर्स्ट एंगल डिफरेंस क्या है, कोई जगह पे आपको जॉब रखा है आइसोमेट्रिक व्यू रखा है, टॉप व्यू आपका नहीं रहेगा बॉटम साइड पे और टॉप व्यू रहेगा, टॉप व्यू बॉटम साइड पे रहेगा और बॉटम व्यू ऊपर रहेगा, जिसको बोलते हैं आप लोग फर्स्ट एंगल पोजिशन, और साइड व्यू कोई जगह पे राइट एंगल और लेफ्ट एंगल में आपका व्यू रहेगा, तो उसको बोलेगा फर्स्ट एंगल पोजिशन। सेकेंड एंगल थर्ड एंगल पोजिशन क्या बोल, सेकेंड एंगल में आप लोग ड्रॉइंग बनाते नहीं, आप लोग ड्रॉइंग होता ही नहीं है, तो फोर्थ एंगल भी ड्रॉइंग नहीं होता है, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल पे ड्रॉइंग होता है। तो थर्ड एंगल क्या होता है, तो जब आप बोलोगे टॉप भी ऊपर रहेगा बॉटम भी नीचे रहेगा, और कोई जो दो साइड पे लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोई जगह पे आपको साइड व्यू दिखाई देगा, तब तो बोलेगा आपको थर्ड एंगल पोजिशन। तो ये सब चीज छोटी छोटी चीज आप बताओगे आपको इंटरव्यू और पता चलेगा ना, बंदा जानकारी है इसको नौकरी में लेना चाहिए हम लोग को, ये बंदा बहुत ही अच्छा बंदा है, तो ऐसे चीज आपको बोलना चाहिए। तो बोलने से आपको क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, आपको इंटरव्यू जो इंटरव्यू ले रहे तो उसको भी अच्छा लगेगा ना, बंदा अच्छा है तो इसको लेना चाहिए। तो क्रोमीटर रहते हैं, तो डिवाइडर रहते हैं, तो स्केल रहते हैं, तो टेप मेजर इन टेप रहते हैं। तो मेजर इन टेप का बोलेगा, कोई जगह पे बोलेगा मेजर इन टेप में लीस्ट काउंट कितना है, कितने में लास्ट तक आप माप सकते हो, तो ये बोलेगा, तो आपको जानकारी लेना चाहिए। ए गेम से नीचे आपको हम लोग मेजरमेंट करता नहीं, ए गेम में लास्ट होता है, क्यों ना आप कोई जगह पे आप मेजरमेंट करोगे तो ए गेम एम से नीचे आपको टेप में मेजर इन टेप में आप माप नहीं सकते हो, ए गेम एम उसका लास्ट है। तो ए गेम एम से आपको जितना एम एम माप सकते हो, जितना बड़ा टेप हो सकते हैं, तो वो है आपका मेजर इन टेप का लिस्ट काउंट। बोलेगा वर्नियर कैलिपर का बोलिए, तो कोई मिसिंग आइटम बाहर से आया है, आप एक सीनियर फैब्रिकेटर हिसाब से ज्वाइन किया है कंपनी पे, हैवी फैब्रिकेशन कंपनी पे, तो वो जगह पे आपको कोई बोलेगा साहब आप मेजर इन टेप से तो नहीं होगा मेशिंग आइटम, तो आप वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट करके दिखाइए बराबर है क्या, और कोई बोल दिया काका थोड़ा देख लीजिए ना वो बराबर है क्या मेशिंग आइटम, तो वर्नियर देख दिया। आपको वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पता नहीं है, आपको वर्नियर कैलिपर का आपको कैसे मेजरमेंट करते हैं, अभी जो डिजिटल आ गया बा डिजिटल आने का मैनुअल कोई दे देगा तो आपको पता नहीं लगेगा, तो अच्छा नहीं है। 15-16 साल एक्सपीरियंस है और 2-2.5 साल एक्सपीरियंस है, कोई बंदा मेजरिंग टेप आपको वर्नियर कैलिपर पता नहीं है, डिवाइडर कैसे मेजरमेंट करते पता नहीं है, तो ये बारे में बहुत ही बुरा चीज है। तो ये सब चीज आपको जानकारी लेना चाहिए। और एक चीज पूछता है, कोई हैवी फैब्रिकेशन में आप काम कर रहे हो, आपको गैस कटिंग आता है क्या, आप फैब्रिकेटर हो बट गैस कटर अलग अलग हो, बट गैस कटर होता है बट आपको कंपनी ढूंढते हैं मल्टी स्किल, मतलब आपको एक जगह आप ओल्डर में काम कर रहे हो, कोई अलग कोई जगह पे फैब्रिकेटरी फैब्रिकेटिंग कर रहे हो, मतलब फिटर भी सभी ज्वाइन किए हैं, तो वो जगह आप बोलेगा मैं गैस कटिंग नहीं आता है सर, मैं कटिंग करने को नहीं आता है, वो नहीं आता है वो नहीं आता है, सिर्फ मार्किंग करने का ये करने का आता है, चलने वाला नहीं है। अभी का दुनिया पे मल्टी स्किल होना चाहिए, क्यों ना मल्टी स्किल होने के बाद आपको अच्छा जगह पे नौकरी मिल सकते हैं। तो कोई कोई जगह पे बोल सकते हैं भाई गैस कटिंग चला सकते हो, तो गैस कटिंग पे क्या क्या लगता है, तो भी पूछेगा रेगुलर लगता है आपको, एक एडॉप्टर जिसमें आपको बैक फायर रजिस्टर लगता है,
एक गैस का टॉर्च लगते हैं, पाइप लगते हैं, उसमें रेगुलेटर लगते हैं, ऑक्सीजन रेगुलेटर लगते हैं, एक एसिलिन लेते हैं, एसिलिन लगते हैं, नहीं तो उसके एसिलिन बदल में एलपीजी लगते हैं, ऑक्सीजन रहते हैं। कितने बोलेगा कितने रेशियो में आप करते हो, मिक्सिंग करते हो, बोलने का 3:1 रेशियो में। मेटेरियल का ज्वाइंट क्या क्या है आपको जानकारी है क्या? तो मेटेरियल का ज्वाइंट मतलब क्या है आपको, यहाँ पे कॉर्नर ज्वाइंट है, वी ज्वाइंट है, बार ज्वाइंट है, लैप ज्वाइंट है आपका, कोई जगह पे बोलेगा प्लैग वेल्डिंग है, तो ये सब बारे में आपको पूछेगा। बार ज्वाइंट क्या है, मतलब दोनों प्लेट से दोनों प्लेट एक साथ में रखेगा उसको बोले बार ज्वाइंट। सिंगल वी, डबल वी, वाई ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, ये सब क्या क्या ज्वाइंट है आपको जानकारी जरूरत है। क्यों ना आप एक फैब्रिकेटर में ज्वाइन कर रहे हो, तो ये सब चीज जानकारी होने के बाद आपको कोई जगह पे नौकरी में हटा नहीं सकते, और नौकरी देने के लिए आदमी बुलाएगा, आ जाओ रे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे बोलेगा। तो दोस्तों सेस खत्म करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आज बोलते बोलते पूरा रात ही गुजर जाएगा आपका, बाद दिन ही गुजर जाएगा। तो मैं दोस्तों इधर ही खत्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेके आप तैयार रहिए, मैं अच्छा अच्छा टॉपिक लिए, बहुत इंटरेस्ट टॉपिक लिए आप लोग को वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो देखते रहना दोस्तों, शेयर कमेंट लाइक जरूर करने का, और न्यू मेंबर है प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, जय हिंद, मेक इन इंडिया, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।